चलें स्टार्ट करते हैं। की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, कैसे फ्रेंड्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। कैसे चल रही हैं वीडियोस और कैसा आ रहा है मज़ा? कल फार्म की वीडियो थी, उससे पहले वो कीड़ों की ट्रीटमेंट की वीडियो थी, बकरों की वीडियो सिखाने की वीडियो, सारी कोशिशें कर रहा हूँ। फॉलोअर से काफ़ी नाला हूँ, मतलब काफ़ी गैर मुतमईन हूँ, नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा समझा रहा हूँ। जो जो फॉलोअर्स ग्रुप का हिस्सा बन रहे हैं वही सवालात, वीडियोस नहीं देखते हैं तो ऐसे नहीं होता। तो बहुत से फॉलोअर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अली भाई, हम समझ रहे हैं आपके साथ कितने परेशानी के मामलात हैं। आज भी एक फॉलोअर ने ग्रुप लेफ्ट किया इसलिए कि जी अली भाई, नोटिफिकेशन बहुत आ रहे थे, वो डिस्टर्ब हो रहे थे। मैं किस लिए हूँ, मेरे पास कितने, उनके पास एक ग्रुप में मतलब 8, 10, 15, 20 आ जाते होंगे, मेरे पास कितने आते हैं रोज़, 150, 200, 250 मैसेजेस, सबको जवाब देता हूँ, सबके मसले हल करने की कोशिश करता हूँ। और उसमें जब इन बिटवीन वो क्वेश्चन हो जो वीडियो में समझाता हूँ, तो बहरहाल ये टॉपिक अलग है, इस पर फिर आप लोगों से एक दफ़ा बात करूँगा। और उम्मीद करता हूँ उस वीडियो पे व्यूज़ बहुत कम आएंगे, क्योंकि वो आप लोगों को देखनी नहीं होगी। मेरे जो अपना कल फार्म वाली वीडियो है, जो फार्म फॉर सेल के, उस पर भी मैंने देखा, गौर किया कि आप लोगों को जो मैंने इतना कहता हूँ ना कि मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, जगह जगह जा रहा हूँ, उसमें अगर मैं एक वीडियो सिर्फ ऐसी बनाऊँगा किसी दिन कि जिसमें एक नॉर्मल वे में बात करूँगा, कोई डिटेल नहीं दूंगा, मतलब एक नॉर्मल जैसे बनती है ना वीडियो, सारे जैसे बनाते हैं उसी तरह बनाऊंगा, फिर आप लोगों का अंदाज़ा होगा कि मेरी मेहनत और वीडियो का टाइम दिखेगा, ऐसे वीडियो पूरी करूंगा, थकूंगा भी नहीं। बहरहाल K4 कराची के इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज को भी लाइक करें। चलें स्टार्ट करते हैं। मुनीर भाई कैसे हो भाई, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, चलें अल्लाह खुश रखे। अपने सबसे पहले अपना नंबर बताएं। नंबर है 0313-24-029-64 0313-24-029-64 ठीक है जी। तो आज ये रैम्बो स्टाइल में इसलिए आ गए कि इनकी भी आंखें कम कम हो गई हैं, है ना। कल मेरे पास एक सेइंग आई थी बड़ी लंबी की, जी आइज कम, आई विल नॉट कम, इफ आई विल कम अदर विल नॉट कम बिकॉज देयर आईज विल कम, तो वो कम कम कम। तो बहरहाल इनकी आंखें आ गई, इस वजह से जो वबा चल रही है जी, एहतियात करें इससे, एक से दूसरे को लाजमी लगती है। और इसका बेहतरीन हल है पॉलीफेक्स आई ऑइंटमेंट, और ठंडे पानी से वॉश करें आंखों को, ग्लासेस लगा के रखें। अच्छा जी, बातें तो हो गई। माशाल्लाह देखें जी, जान और सेहत में माशाल्लाह बहुत हैवी बकरी है, अच्छी बकरी है, डबल हड्डी की, पाँव से लेके कमर तक, गर्दन पिछवा, ये वाला पुट का हिस्सा, माशाल्लाह सब ओके है। कलर में भी अच्छी है, मुलायम स्मूथ बकरी है। सींगों में बस एक सींग इसका नीचे डाउन जा रहा है, एक ये ऊपर उठा हुआ है, बताना वजह ये देखें, ऐसे कर लें तो ये आपको दिख जाएगा बिल्कुल क्लियर, एक सींग नीचे एक ऊपर है, लेकिन ये ब्रीड में ट्रांसफ़र नहीं होता। कानों की लेंथ में बिस्तर है, पटेरी प्रिंट में, माशाल्लाह टाइम की बात करें तो भाई तकरीबन महीने 20 दिन 25 दिन तक लेगी, लेकिन हाँ दूध भी उतारेगी। अभी है बड़ी डबल हड्डी की और बड़े पेट की बकरी, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दो बच्चे तो हैं, बाकी वही बात करता हूँ हमेशा कि गैब का इल्म अल्लाह को है। अक्सर फॉलोअर मुझे वीडियो दिखा के पूछ रहे हैं अली भाई कितना टाइम लगेगा, अली भाई 25 दिन का कहा था, महीना हो गया अभी तक बच्चे नहीं थे, तो मैं क्या करूँ, बच्चे अंदर हैं ना, दिख रहे हैं, ज़िंदा हैं, चल रही है, फिर रही है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब ये सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है, इसलिए कि बहुत सारे फिर जो पीछे पेंडिंग में होते हैं उनके भी जवाब देने होते हैं। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचा करें कि अगर अली भाई दाई तो है नहीं, तजर्बा है, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जी इतना टाइम लगेगा, ये नहीं कह सकता कि जी, और हमेशा कहता हूँ वीडियो में कि जी अगर मैं 15 दिन कह रहा हूँ, 25 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ये अल्लाह को पता है, अल्लाह का निज़ाम है, एकदम स्पीड से सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। बच्चा हाँ बताओ, मैंने बकरी दी, हाँ तो मैंने उसको 15 दिन बोला, बकायदा वीडियो पे 15-20 दिन बोला, तो उसको 5 दिन तो मेरे पास हो गए, बंदे के पास 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, तो बार बार मुझे कॉल करके बोल रहा था कि बच्चे नहीं दे रही है और बैटरी आवाज़ें कर रही है। मैंने अच्छा, कहा ये शायद वही है, यही बात मेरे पास, गुलाबी बकरी है? नहीं जातन, जातन है। अच्छा, तो नहीं वो लोरी न, लोरी न, ठीक है ना। मैंने कहा यार बकरी के वजन है ज़्यादा, बच्चे इस वजह से आवाज़ें कर रही है, आप बेफिक्र हो, बच्चे टाइम ने का टाइम उसका कह रहे हो, खुद ही ये दे दे, टेंशन नहीं। वो दिन में उसकी 10 काले आए, तो वो जवान का बच्चा, यानी जो आपने कहा उनको समझ ही नहीं आई, वो अपनी हाँ अपनी बस कर रहा था, वो डॉक्टर के पास लेके गया, डॉक्टर ने इसको बोला कि यार बच्चे निकालने पड़ेंगे, टाइम हो गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओए, तो जवान के बच्चे ने ऑपरेशन करके 4 बच्चे निकाले, जो 5वां बच्चा था, 5 बच्चे थे, उसने वो देखा ही, मैं वीडियो भी दिखा रहा हूँ आपको ना, तो
पांचवा बच्चा निकाला ही नहीं उसको, वो समझा चार पूरे हो गए, तो वो टांके लगा दिया, पांचवा बच्चा उसके अंदर था, जहर फैल गया, बकरी भी मर गई, एंड बच्चा था, उसने हलाल करके जब आगे वो तो बच्चा अंदर एक और था, ये वजह वीडियो भी है, ये मैं क्लिप ज्वाइन करूंगा ना, अभी नहीं क्लिप ज्वाइन कर दूंगा इनसे लेके, आपको दिखा भी देंगे, चार बच्चे डॉक्टर ने निकाले और डॉक्टर भी देख लें आप, इसीलिए कहता हूँ पैसे भी ज़ाया करने के शौकीन है, यहाँ पे सिर्फ एहसास कर लेंगे जी, जो बता रहे हैं वो इसीलिए बता रहे हैं कि आपकी मदद हो सके, लेकिन मदद का मतलब दर्द है सर हरगिज़ नहीं है कि फ़ीस, अभी लिल्ला अगर मैं आपको समझा रहा हूँ वही मैं कहता हूँ, स्कूल में टीचर भी पढ़ाता है फ़ीस लेता है, 50 बच्चे हैं क्लास में तो 50 को अलग अलग नहीं समझाता, एक बोर्ड पे लिखता है समझाता है, सबको समझ लेना है, मैं जो वीडियो में बातें कर रहा हूँ आप लोग स्किप, एक उंगली बढ़ाते हैं मेरे सारी बकवास को आगे बढ़ा देते हैं, ये ना किया करें, देखा करें इसमें, अब देखें इन्होंने भी एक्सपीरियंस शेयर किया ना, तो जब एक्सपीरियंस को आप समझेंगे सुनेंगे तो तब बोल रहे थे कि रुक जाओ बकरी में बच्चे ज़्यादा होते हैं तभी वो बैठ के बंद मुँह से आवाज़ें निकालती है, वो आसानी होगी इंशाल्लाह बच्चे देगी, आप चलेगा डॉक्टर के पास, तो जो होना था वो आपने करवा दिया, ये कत्ल के बराबर है, और भी 10-12 दिन निकालती पर उसने पेट फाड़ के, बच्चे ऐसे थे ना कि बताओ यार, 5 बच्चे तो लॉटरी होते हैं यार, कभी मैंने कहा 2 या 3 बच्चे देगी, कभी 5 तो कभी नहीं का, तो ये तो बस नसीब था जो आपके नसीब में नहीं था भाई, इस दांतों में ही क्या है, 4 दांतों में 4 है, फाइनल पैसे ये 95 की देनी, ये 95 की देनी है, दांतों में 4 है, अच्छा कंफर्म 4 है ना भाई, कोई भी आके देख ले, ठीक है ठीक देख ले, हाँ नहीं यार, हाँ लेकिन मैं किसी वजह से पूछ रहा होता हूँ, ये चीज़ें मेरे पास आती रहती है ना, तुम्हारी शिकायत नहीं लेकिन बिला वजह की बात है, इसलिए मैं कहता हूँ, मतलब आप दिखाते नहीं, अरे भाई तो देख लो ना, मैं जितनी बातें कर जी देखता है, अगर नहीं समझे तो किसी माहिर को लेकर आ जाए, वरना होता क्या है कि जी अली भाई आप तो थे नहीं, मैं बकरी ले आया, वो मोहल्ले में एक बंदे ने देखा, उसने कहा ये तो 4 नहीं ये तो 6 है, ये 15 है, ये 16 है, अरे भाई तो वो बंदा मोहल्ले में रहता तो उसको साथ ले आओ, अगर वो इतना आपका खैर ख्वाह उसको साथ ले आए, साथ आके वीडियो में वो बकरी को देख ले, वो आपके लिए हर, मैं कहता हूँ हमेशा, खलीफा ख़ानदान में, फैमिली मोहल्ले में, हर जगह होते हैं, सब के यहाँ होते हैं, तो वो खिलाफत करने से बेहतर है कि आपने हमदर्द हैं तो आपकी हेल्प करें, बहरहाल फाइनल क्या है इसके, 95 फाइनल 95,000 हैं और दांतों में 4 है, टाइम मैंने बता दिया, तकरीबन महीना लेगी, माशाल्लाह हाइट और लेंथ की ज़बरदस्त बकरी है, चला के दिखा दें, माशाल्लाह माशाल्लाह, बाकी देखें जी जो भी कह रहा हूँ बुरा लगे तो माजरत चाहता हूँ, सीखना चाहते हैं तो सीखते जाएं, समझते जाएं, मेरी अब यहाँ तक आ चुकी है, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं इन बातों को, क्यों, क्योंकि मेरे कुछ इतने मुखलिस फॉलोअर्स हैं जो मुझे प्राइवेट में इनबॉक्स में मैसेजेस कर रहे हैं कि अली भाई छोड़ना नहीं है, अली भाई गेहूं के चक्कर में घुन मत पीस देना, गीले के चक्कर में सूखा मत जला देना, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, तो मैं छोड़ तो नहीं सकता, ये मेरी मजबूरी, आप लोगों की मोहब्बत है, लेकिन जो लोग इस तरह के सवालात करते हैं, अच्छा ये भी कहता हूँ कि जी वॉइस ग्रुप में पड़े हुए वॉइसेस सुन लें, आपके मसले का हल मौजूद है मुझे पता है, तो अली भाई इतने सारे वॉइस कौन सुनेगा, इतना तो टाइम नहीं है, प्लीज़ यहाँ बता दें, अली भाई पता नहीं क्या सलानी की पैदाइश है या ईदी की पैदाइश है, आ जाएँ जी मुनीर भाई आ जाएँ आप, तो ये चलता रहेगा, समझें बातों को, आज सुबह से भी मैं यही हो रहा था, मेरे साथ निकलने नहीं देते कि वीडियो बनाओ, शाम को कहते हैं अली भाई वीडियो कहाँ है, यार किस तरह करूँ, आपको सारा दिन जवाब भी देता रहूं, आपके लिए वीडियो भी बना दूं, कमेंट्स में भी जवाब दूं, एडिटिंग भी करूं, फिर आपको दवाइयां भी बताऊं, आपको जिसको बकरे चाहिए उसको बकरे भी दिलवाऊं, जिसको बकरी बच्चा नहीं दे रही उसका बच्चा निकालूं, कैसे सब कुछ करूं, आप मुझे बताएं तो सही, मैं एक हूं, मैं बहुत जल्द फिर ना यहां से खुशक हो जाऊंगा, या मेरा दिमाग काम करना छोड़ देगा, या मैं कहूंगा मैं ये जो आप लोगों को गोट फार्मिंग सिखा रहा हूँ ये मेरे तरफ से बस हुआ, लेकिन वो बेचारे फॉलोअर जो मुझसे मांगते रहते हैं उनकी वजह से मैं इसको छोड़ नहीं सकता, ये मेरी मजबूरी, तो हाथ जोड़ के वास्ता दे रहा हूँ कि मेरी बातों को समझें, मेरे लिए आसानी करेंगे तो मैं फ्रेश बताऊँगा, जब थक जाता हूँ तो सवाल का जवाब भी नहीं दे पाता हूँ, हकीकत है, फिर डांटने लग जाता हूँ, चिढ़ जाता हूँ, एक ही सवाल, बहरहाल यार बात फिर वही हो रही है मेरे साथ, अच्छा जी ये देख लें माशाल्लाह पटेरी बकरी है, कानों में बिस्तर है, कानों की लेंथ वैसी नहीं है लेकिन हाइट और ये लेंथ माशाल्लाह फुल पॉइंट्स में, डबल हड्डी की बकरी है, दूध इसने काफ़ी हद तक उतार लिया, जोड़ भी काफ़ी हद तक तोड़ लिया जी, ये हाँ आज दे रही है, गंद फेंकना शुरू कर जी, देखें ये देख दिखा दें, ये भी एक्सपीरियंस है, देखें बच्चे देने का टाइम आएगा ऐसा लेस निकालेगी, ठीक है ये देख लें, अब स्किप किया होगा जिसने उसका रह जाएगा, बाद में मेरी दही बनाएंगे, तो ये जब आखिर का टाइम आता है ना तो ये लेस ऐसे निकलता है, तो उस वक्त ये बच्चे देने का टाइम आ रहा है, देखें हवाने में दूध भी टाइट हो गया, अब हवानों में कोई स्किन में लूजनेस नहीं है, ये दूध भर चुका है, जोड़ इसका ये देखें ये वाला यहाँ पे दबा रहे हैं, अली भाई दब नहीं रहा, अबे भाई ये कौन सा जोड़ है यार तोड़ दो, ये जोड़ है देखें बिल्कुल किस जगह पे, जहाँ से दुम उठती है ना ये वो वाला जोड़ होता है, ये टूट चुका है, तो इंशाल्लाह आज वरना मैक्सिमम कल भी जा सकती है, बच्चे दे देगी, दांतों में क्या है मुनीर, ये भी 4 है, दांतों में 4 है, फाइनल पैसे ये देनी है, फाइनल 90,000
ये देनी है फाइनल 90,000 रुपये की। दांतों में चार है माशाल्लाह, हाइट और लेंथ की, गर्दन की, सींगों की परफेक्ट 10/10 पॉइंट्स है। सिर्फ कानों में बिस्तर हो रही है, पटेरी कान पे नहीं जा रही क्योंकि कान छोटे। चला के दिखा दें माशाल्लाह, माशाल्लाह फाइनल 90-95 90,000 में। ठीक है जी, छोड़ दें चला के छोड़ दें जी फ्रेंड। माशाल्लाह ये देख लें, ये बटेरी बकरी है, सींगों में बड़ा अच्छे सींग आ रहे हैं माशाल्लाह। ये बस थोड़ा सा टूट गया है, लेकिन टूटने से कोई मसला नहीं है, बताने का मतलब बिल्कुल एक शेप में। ये इसकी नोक है, इसकी नोक नहीं है, तो ज़रा सी नोक झड़ गई है। ठीक है जी, माशाल्लाह पाउंड में डबल हड्डी की है, पेट में भी अच्छी है माशाल्लाह, प्रिंट में भी ओके है, कानों में भी ओके है। टाइम का क्या इसका कहेंगे, अभी दूध उतारेगी भाई, अभी तो जोड़ भी नहीं तोड़ा, ये तकरीबन महीना आराम से ले लेगी। ठीक है जी, दांतों में क्या है, दांतों में चार है अभी छः की तरफ जा रही है, समझ गए, चार का सफ़र हो चुका है और छः की तरफ जा रही है। क्या इसके फाइनल है, ये भी फाइनल नब्बे की देनी है जी, देख लें जी। अच्छा, दांत मैं जो बता रहा हूँ भाईजान, देखना आपकी जिम्मेदारी है, ये नहीं कि जी मैंने स्टैम्प कर दिया यहाँ पे कि जी ये दांतों की चार है। ये देखें, खिलाएं पिलाएं सब कुछ चेक करके चला फिरा के फिर लेकर जाएं। किसी भी बात पे आप मेरी श्योरिटी पे नहीं कि भाई मैंने देख क्यों, इसलिए श्योरिटी नहीं कि मैं जा रहा हूँ, आप कल आ रहे हैं परसों आ रहे हैं, 2 घंटे में भी तब्दीलियाँ हो जाती हैं, हमें नहीं पता होता, ये बात समझें बस। ठीक है, तो फाइनल 90,000 की मिल जाएगी, दांतों की चार है, छः की तरफ जा रही है, पटेरी प्रिंट में, सारे पॉइंट्स में ये 10/10। माशाल्लाह माशाल्लाह आ गई जी, जातनों के होलसेल मार्केट में खड़े हो गए हम, और माशाल्लाह जातन लेकर आए, तीन जातन बकरियां, तीनों की माशाल्लाह हाइट और लेंथ आप देखें, तीनों वजन में साइज़ में भरपूर हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस साइड की, क्योंकि बीच में जो ब्राउन है उसको हम लास्ट में लेंगे, इनको छोड़ते जाएंगे। वाइट में है माशाल्लाह, काले होंठों पे ब्लैक ही स्किन होती है इनकी, गुलाबी नहीं होती। हवाना देख लें माशाल्लाह, काफ़ी साइज़ में बड़ा है। टाइम की बात करें तकरीबन 20-15 दिन लेगी बच्चे देने में। दांतों में मुनीर ये वाली क्या, चार है। अच्छा जी, तो ये वाली चार दांत है। हवाना जो है इसका देखें साइज़ अच्छा है, दूध उतारेगी, दूध में माशाल्लाह ये अच्छा, एक नंबर जातन नहीं है, ये सारी की सारी अच्छी क्वालिटी की जातन है, तो दूध अच्छा ही देती है, यानी 2 किलो से ऊपर ही जाता है, 2.5 किलो 3 किलो तक जाता है इंशाल्लाह। बाकी गारंटी नहीं होती, बात वहीं आ जाती है कि मैं बोलूँ और आप जहन में या पेपर पर लिख लें या रिकॉर्डिंग मुझे ही सुनाएं बाद में, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। लेकिन उम्मीद है क्योंकि आज तक जितनी भी बेची सब पे ओके, हाँ शिकायत नहीं आई है, लेकिन हो सकता है पहली शिकायत इस पर बन जाए, हमें नहीं पता ना, अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन इसी तरह की जातन पहले भी दी हैं और जिन्होंने शौक किया माशाल्लाह खुश हैं। तो ये जातन 2.5 किलो 3 किलो तक दूध देती है। दांतों में ये क्या है, तीनों चार दांत हैं। ठीक है जी, तो इसके पॉइंट्स आपको दिखा दिए, सींग देखें माशाल्लाह मारखोर की तरह ऊपर घूमे में सीधे, लेकिन मारखोर नहीं होती। चेहरा देख लें इसका, नकोड़ माशाल्लाह अच्छा है, जैसे बकरे का चेहरा होता है। ठीक है जी, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम चला के देखते हैं माशाल्लाह, ये देखें जी। ठीक है, वज़न माशाल्लाह ठीक ठाक है, इस पर धक्का देने से पता चल रहा था। चलें जी, अब यहाँ पर आ जाएं, अब ये बात करते हैं हम, ये जो हिरन कलर में जातन है देखें, वही वाइट कान पे डॉट्स हैं, उसके भी कानों पे डॉट्स हैं उसी प्रिंट के। तो ये भी जातन है, दांतों की चार है, इसका हवाना बज़ाहिर छोटा है, पहला ब्याद है, दूसरा ब्याद है, ब्याद लग तो पहला रहा है, कुछ कह नहीं सकते। हाँ ऊपर इतना नहीं है, पहला लग पहला ही रहा है, क्योंकि ये बनाती है अच्छा है हवाना, लेकिन दूसरा ब्याद का ये हवाना जातन का नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो जोड़ इसने काफ़ी तोड़ना अभी शुरू किया है बस, तो ये भी तकरीबन महीना ले लेगी, महीने के अंदर कम भी हो सकते हैं या पूरा भी महीना। एग्जैक्टली वही बात कि महीने का आइडिया, महीने के अंदर भी हो सकता है, थोड़ा बहुत महीने के ऊपर भी जा सकता है, एग्जैक्ट महीने भी आ सकता है। दांतों में चार है, इसको भी चला के दिखा देते हैं माशाल्लाह, ये देख लें अलग कलर। तो आपके पास वेराइटी आ गई जातन की, कि तीनों जातन एक ही रेट पर आपको चार चार दांतों में मिल रही हैं। चलिए इस पर आ जाते हैं ब्राउन पे, ये आपको देखने में अगर हम इसके कानों का प्रिंट हटा दें तो ये आपको लगेगी कामोरी बकरी, वैसे ही सींग है जैसे होते हैं। फेस इसका भी देख लें बिल्कुल मेल की तरह से, कानों पे जो इसके प्रिंट आता है वही जातन वाला प्रिंट है। तो जातन की मेन निशानों में से ये निशानी होती है, लेकिन मैंने आपको सबका तीनों का पहले बता दिया कि ये प्योर जातन नहीं है, ए क्वालिटी की जातन है। हवाना देख लें माशाल्लाह, इसका ऊपर की तरफ बना हुआ है, पूरा स्किन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये मतलब और तो लंबे हवाने भी होते हैं जो थन होते हैं, ये इस तरह से हैं। तो ये भी अभी दूध उतारेगी इंशाल्लाह, जोड़ इसने काफ़ी तोड़ लिया, अब दूध में ये रैपिड मतलब चेंज लाएगी, एकदम से चेंज लाएगी और दूध बनाएगी माशाल्लाह। खाल और हवाने का साइज़ तो अच्छा है, बात वही है हवाने का साइज़ बड़ा होना दूध की गारंटी नहीं होता। अच्छा जी, ये भी चार दांत है, इसको भी चला के दिखा दें। अच्छा जी, अब बताएं मोल क्या है जी चार तीनों में, ये जो भी कोई ले 85 की फाइनल दूंगा। 85 की फाइनल जी, तीन जातन दिखाई आपको 85,000 रुपये के मिलेंगी आपको फाइनल रेट में। तो माशाल्लाह ये मेरे लिए एक अच्छी ऑफर आ गई मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, कि तीन जातन आपको मिल रही है 85,000 रुपये में, तो और क्या चाहिए भाई। तो माशाल्लाह एक अच्छी चीज़ मिल रही है आपको, और तीनों बकरियाँ गब्बन है, से आपको जाहिर सी बात है बच्चे भी मिलेंगे, दूध की फरवानी भी मिलेगी। मैं ये कहता हूँ कि आसानी समझने के लिए बच्चे मिलेंगे, बकरी की प्राइस काफ़ी नीचे आ जाएगी, और जब बकरी अब दूध दे रही होगी
तो आपकी दूध की कॉस्टिंग भी, अपने घर की दूध की बचत होगी, तो वही खर्चा आप बकरी पे लगाएंगे तो आपके वो पैसे भी बच जाएंगे कि बकरी को खिलाना पड़ रहा है। चलें जी, माशाल्लाह पासे वाली बड़ी बकरी आ गई है। इसी तरफ से देखें, आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे इसके एक चोट लगी थी, लेकिन बिल्कुल टोटल हील अप हो चुकी है। दिखा दें जी जूम करके, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ओके है। मैंने हाथ लगा लिया, मैं समझता हूँ आप लोग इतना मेरे ऊपर एतबार करते हैं कि ज़ख़म अब बिल्कुल पापड़ी पर आ चुका है, सूख चुका है। बाल हटाए थे इसलिए बड़ा सा लग रहा था मुझे भी दूर से, लेकिन मैंने चेक कर लिया था। ओके, कानों की लेंथ देखें माशाल्लाह, देखें पकड़ें जी ज़रा ऐसे ज़रा हवा में, ये देखें जी पीछे रख लें कमर पे, ये देखें कहाँ तक आ रहा है माशाल्लाह, ये देखें जी लेंथ देखें आधी कमर से भी आगे जा रहा है। और कानों के पट्टे भी बिल्कुल सही हैं, डबल पासे में, वाइट आइज़ में जी, वाइट आइज़ में होती है। तो हमेशा मैंने कहा है ना कि कोई ना कोई प्लस पॉइंट आता है, कि जब इसमें माइनस ये होता है कि ये क्रॉस हो गए तो प्लस भी देती है। तो माशाल्लाह डबल हड्डी की भरपूर बकरी है। पीछे जो पुट है वो भी देख लें, सीना भी देख लें माशाल्लाह, खाल की गुंजाइश भी देख लें। तो ये बकरा नहीं है, बकरी है, जिसके मैं पॉइंट बता रहा हूँ बकरों वाले माशाल्लाह। दांतों में क्या मुनीर? ये भी 6 हुई है। दांतों में 6 हुई है जी। टाइम लेगी तकरीबन ये भी 15 से 20 दिन लेगी, इंशाल्लाह आराम से लेगी, क्योंकि जोड़ भी अभी बाकी है, दूध भी इसने नहीं उतारा है। तो फाइनल सीना देखें जी, इधर से दिखाएगा, ये देखें टांगे जैसे खड़ी हुई है, इसके टांगी कितनी चौड़ी खोली है, क्योंकि सीना इसका, और देखें कानों की वजह से सीना भी छुप रहा है, कानों की लेंथ अच्छी है। अच्छा, फाइनल कितने की देनी है? ये देनी है 90,000। ये भी फाइनल 90,000 की देनी है जी। तो पॉइंट्स बताना मकसद होता है, आप लोग ये ना समझा करें कि जी पॉइंट्स बता दिए महंगा हो गया, ऐसा नहीं है, बिक भी जाता है आप लोगों के सोचने तक। तो फाइनल 90,000 की मिलेगी, गर्दन की लंबाई की हाइट की मतलब हर लिहाज से माशाल्लाह पूरी है, भरपूर है, गुलाबी स्किन में माशाल्लाह, महीने भर का या 15-20 दिन का टाइम लेगी। तो 90,000 में बकरी हाज़िर है जी। फ्रेंड ये आ गई पटेरी बकरी। पटेरी बकरी अगर आप गूगल पे भी सर्च करें ना, बेसिकली पटेरी का प्रिंट यही होता है कि बीच में ऐसा पासा होता है, गुलाबी नोज़ होती है, कानों की लेंथ अच्छी होती है, गर्दन इसकी बिस्तर इसलिए आ रही है कि प्रिंट यहाँ तक आता है तकरीबन ब्राउन का, ठीक है बहरा, ठीक है जी। पॉइंट अच्छा, जब प्योर पटेरी पे जाए ना तो उसका जिस्म चाल ढाल उसका लुक ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, सींगों में ट्विस्ट आता है, ऊपर की तरफ उठे हुए होते, उनके बरमबासन एक अग्रेसिव सा लुक होता है उनका। बहरहाल ये कानों की लेंथ में माशाल्लाह अच्छी है और पिंक नोज़ में है। दांतों में क्या मुनीर? 4। दांतों में 4 है। अच्छा, जोड़ की बात करें तकरीबन कितना दवाई क्या टाइम बता रही है? ये भी अभी तोड़ रही है, 20 दिन तक लेगी, हाँ दूध भी उतारेगी, 20 दिन से ऊपर भी जा सकते हैं, थोड़ा बहुत 20 के करीब करीब इंशाल्लाह अंदाज़ा यही है। मुनीर इसलिए चुप रहते हैं कि बात वही है कि जो मैं भी कह रहा हूँ ना, ये मेरा भी और इनका भी एक अंदाज़ा होता है, ऊपर नीचे दिन हो जाते हैं। अच्छा जी, क्या फ़ाइनल करेंगे? ये फाइनल 95 की देनी है। माशाल्लाह खूबसूरती पिंक नोज़ में आ रही है, यकीनन स्किन भी, जी हाँ देखें स्किन भी पिंक और ब्राउन के साथ मिक्स आ रही है। दिखाना चाहते हैं दिखा दें बिल्कुल, ये देखें पिंक स्किन आ गई, साथ में ब्राउन का टच आ गया। ये अगर ये कलर होगा तो गुलाबी चमड़ी में कहलाएगी। अक्सर अबलग लोग चीज़ें ले रहे होते हैं और अबलग दुम नहीं होती, वो गुलाबी दुम नहीं होती तो छोड़ देते हैं। अबलग चीज़ों में दुम काली चमड़ी में ही होती है या लाल चमड़ी में होती है, ठीक है जी। इसको छोड़ें, फाइनल 95,000 में, दांतों की 4 है, तकरीबन 20-22 दिन या 15 से 22 दिन के अंदर दे देगी इंशाल्लाह बच्चे। ये आ गई फ्रेंड माशाल्लाह, कपली बकरी आ गई। हाइट में थोड़ा सा नीचे, कानों के पॉइंट्स में, झालर में, आँखों में, सींगों में, खुर थोड़े से टच में आ रहे हैं ब्राउन के, लेकिन शायद बल्कि वो मैले हो रहे हैं, नहीं गुलाबी हैं, मैले हो रहे हैं। और कटेंगे जब ये गब्बन है खाली हो जाएगी तो उसके बाद कट जाएंगे। चेहरा देखें बिल्कुल ऐसे ही रखना, ये बिल्कुल ऐसे आपने ऐसे ये देखें, ये लग रहा है कोई बकरी है, ये प्योर बकरा लुक दे रही है माशाल्लाह, छोटे फेस वाली बकरी है, पॉइंट में बेहतरीन है। आँखों का इसको मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत है, आँखें लाल हो रही हैं, इसका ट्रीटमेंट वही होगा जो मैंने अभी अभी घर पर बताया था। अब बता देता हूँ कि सबको सुनने में आ जाएगा, ठंडे पानी से, चिल्ड वाटर से 3 दफ़ा सुबह दोपहर शाम धोना है आँखों को, इसकी अपनी नहीं, अपनी आए तो वो अलग बात है, तो आँखों को धोना है, पॉलीफेक्स आई ऑइंटमेंट सुबह दोपहर शाम लगाना है, एमोक्सिल सिरप 250x10 ml का लेके 10 से 12 दिन पिलाना है, तकरीबन 7 cc 8 cc सुबह और रात, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये सेट हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, बाकी चीज़ें पूरी हैं। जोड़ की बात करें तो तकरीबन ये भी तकरीबन 20 से 25 दिन आराम से लेगी, हवाना भी इसका भी ऊपर ही है, दूध भी उतारेगी। पहला ब्याद है, पहला ब्याद है। दांतों में चार हुई है फ्रेंड। ये बता दूं आपको दिल से बिल्कुल कि सिर्फ हाइट थोड़ी सी नीचे, वरना जोड़ की और चेहरे की और झालर की माशाल्लाह बेहतरीन बकरी है, इसमें कोई माइनस पॉइंट मुझे दिख नहीं रहा। बाकी फाइनल क्या है इसके? 70,000 रुपये फाइनल है जी। गब्बन बकरी है इसलिए खुर नहीं बन सकते, जब फारिग हो जाए जिसके जो भी मालिक हो इसका, तो उसको खुर बनवा ले वो या खुद बना ले। तो 70,000 में मिल जाएगी माशाल्लाह, डबल हड्डी की, गुलाबी पट्टे माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी मुझे, चेहरे के हिसाब से, झालर के हिसाब से, और देख लें खा पी रही है, ओके है बिल्कुल। घर जाए, दूसरे माहौल में जाए तो हो सकता है एक दो दिन ना खाए, तो ये मत सोचिएगा कि अली भाई ये मुनीर भाई ने और आपने क्या कर दिया, ऐसा कुछ नहीं किया। कहता हूँ जब माहौल बदलता है अक्सर बकरियाँ हो जाती हैं चेंज, फिर नॉर्मल रूटीन में आ जाती हैं।
जी फ्रेंड, एक बात मैं रह गई थी मेरी, जो मेरे बहुत ही ख़ास फॉलोअर जो मेरे से इतना ज़्यादा एक अननेचुरल सा प्यार है उनका, अबू बकर। अबू बकर ने कहा था, अली भाई प्लीज़ अली भाई मेरा नाम ले लेना। तो अली भाई की तरफ से भाई अबू बकर आपको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपको खुश रखे, तरक्की दे, जो भी काम करते हो उसमें तरक्की दे, नेक नियति से हमेशा काम करते रहना, जो भी काम करते हो अगर वो लोगों की खिदमत है तो खिदमत अच्छे दिल से करोगे तो देर होगी अंधेर नहीं होगी, इंशाल्लाह उसका सिला मिलेगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे। आपके नाम की ख्वाहिश थी कि अबू बकर मेरा नाम लीजिएगा, अबू बकर फिर से अस्सलाम वालेकुम और अब अल्लाह हाफिज़। अब अपनी वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह कामोरी बकरी है लेकिन बिस्तर है, प्योर कामोरी नहीं है। कलर में, सींगों में, कानों में, पॉइंट्स में वैसे पूरी कामोरी है। बिस्तर अक्सर लोग पूछते हैं, बिस्तर का मतलब होता है कि प्योर नहीं है। प्योर किस तरह? पॉइंट्स की वजह से। कानों की लेंथ छोटी है, सींग का वो स्टाइल नहीं है। हाइट और लेंथ भी खुद ब खुद थोड़ी सी माइनस में आ गई क्योंकि प्योर पे नहीं है, लेकिन कामोरी ही कहलाएगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी एक कामोरी बकरी अगर 80,000 रुपये की है तो ये कितने की है भाई? देनी है 70,000 रुपये की। तो जी एक बंदा मांग रहा था वहाँ पे, हमें 80,000 रुपये की मिल रही थी तो ये 70,000 की क्यों है? तो भाई वो ओरिजिनल पॉइंट पर होगी, तो ये बिस्तर है तो ये 70,000 की मिल रही है। तो बात वहीं आ गई ना कि इसी तरह से बात का रेट चीज़ का फ़र्क को पहचानेंगे तो सौदे अच्छे लेंगे, नहीं पहचानेंगे तो टोपी ड्रामे। जितने जब तक सर है टोपियाँ आप पहनते रहेंगे। दांतों में क्या, ये चार दांत अभी हुई है। ब्याज पहला है, इसने हवाना माशाल्लाह कुछ अच्छा उतारता हुआ दिख रहा है, इसका मुस्तकबिल अच्छा है हवाने में और जोड़ पे भी तकरीबन 20 दिन लेगी है। चेहरे में, साइज़ में नॉर्मल है, हाइट में नॉर्मल है, बाकी पाँव में भी नॉर्मल है, सिंगल हड्डी में डबल में नहीं है। पैसे 70,000 रुपये, इसमें कमी पेशी भाई हो जाएगी, इसी में पूछ रहा हूँ क्योंकि चीज़ के हिसाब से पैसे थोड़े से ऊपर लग रहे हैं मुझे। बाकी अल्लाह आपको भी रोज़ी दे, इतना मत सोचो, अल्लाह आसानी करे। मैंने आप लोगों को बता दिया कि जी देखें, बताना मेरा फ़र्ज़ है, जिसको समझ आ जाए सौ बिस्मिल्लाह। चीज़ अच्छी है, मैंने ये भी तो बताया, नोटिस करें कि इसका हवाना अभी से प्लस में जा रहा है, ये मुझे दिख रहा है कि मुस्तकबिल में इंशाल्लाह अच्छा हवाना बनाएगी। ये देख लें, पहला ब्याज है, अभी यहाँ से जोड़ बता रहा है कि 20-22 दिन लेगी, लेकिन यहाँ पे इसने हवाना पहले के हिसाब से अच्छा बना लिया। चल आगे दिखा देंगे, फाइनल 70,000 रुपये में दे रहे हैं। ये इसने शाही माला पहनी हुई गले में, बकरी के नहीं आप माला के पैसे दे रहे हैं जो इसमें है, समंदरी असली मोतियों का माला पहना हुआ इसने, है मुनीर है ना? जी जी, कोई जी जी नहीं होता, ये हर जगह मिल जाता है ना, 25-25-50 रुपए वाला। देखें जी माशाल्लाह स्टाइल देखें, एक्टिव है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। जी फ्रेंड, ये बकरी माशाल्लाह आज सुबह ही ब्याई है, यानी चंद घंटे का बच्चा है और मेल बच्चा है 2023-24 का नहीं, 2025 के लिए अगर आप कुर्बानी की नियत करें तो 2025 के लिए, वरना ये आपके शौक के लिए माशाल्लाह अच्छा बच्चा है। प्रिंट में भी, कानों में भी, कानों की लेंथ इस वक्त भी इसकी बर्थ यानी अभी हुई है तो तकरीबन 9-10 इंच कान हैं इसके, 9-10 इंच होंगे मैक्सिमम। ठीक है जी, मैंने नापे नहीं है ना हाथ में पकड़े, दूर से देख के अंदाज़ा दे रहा हूँ। अच्छा देख लें, ठीक है ये देखें जी, अब खड़ा कर दिया बच्चा, अब आप भी देख सकते हैं। ठीक है जी, ये बकरी माशाल्लाह अपने दाने पानी की तरफ लगी हुई। अच्छा जी, अब इसने बच्चा सुबह दिया, साफ़ कर दिया, इसको हवाना देख लें आपके सामने, दूध है। अब आप लेकर जाएं अगर आपके, अली भाई इसमें तो दूध ही नहीं, तो भाई वही बात आ गई, बार बार घिसी पिटी बातें यूँ करता हूँ कि जो स्किप करते हैं वो भी सुन लें। मेरे भी अंदर जो बीमारी है ना बार बार बताने की वो नहीं जाती, ताकि आप लोग सीख लें, मेरी कोशिश पूरी है। तो बहरहाल ये दूध दे रही है, अच्छा दे रही है बच्चे के हिसाब से। क्या ये अगर खिलाई पिलाई अच्छी करेंगे ना तो हवाने का साइज ऐसा है कि दूध और मज़ीद बढ़ा लेगी। तो इसमें सुबह का दूध निकाल लिया था जब था ना, उसके बाद अच्छा बच्चे को पिलाया, अभी तक बच्चे को पिलाया थोड़ा पिलाया उसके बाद वाला थोड़ा, ठीक है ठीक हो गया। तो ये बच्चे को पहले खीस में से बहुत थोड़ा सा पिलाया था, फिर दूध निकालने दोबारा जो पूरा खीस निकाल के दूध आया तो उसमें से भी पिलाया है। तो ये दूध आपके सामने, दांतों में क्या मुझे, दांतों में चार है, एक मेल बच्चे के साथ फाइनल क्या करेंगे? ये देनी है भाई 80,000 की। तो खिलाई पिलाई कावा इसको देना होगा, जो गुड़ अजवाइन और बाजरे का कावा होता है, 2-3 दिन दे दें इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। गंद वंद फेंकना, और कभी कभी बाद में भी थोड़ा थोड़ा गंद फेंकती रहती है, अगर इन बिटवीन गंद फेंक रही हो और बच्चे को दूध पिलाने से पाँव मारना शुरू हो जाए तो वही गंद बच्चे के जिस्म पे लगा दें थोड़ा सा, वो सूंघेगी तो बच्चे को अपना समझने लग जाएगी और दूध में आसानी हो जाएगी। दांतों में चार है ना, दांतों में चार है फाइनल 80,000 देखें जी। अक्सर इतना होता है, आप लोगों से बातों में मगन होता हूँ रेट भूल जाता हूँ, तो ये 80,000 में आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखें जी मेल बच्चा, अभी आज ही कुछ घंटों की पैदाइश है इसलिए चल नहीं रहा, मेरा बच्चा मेरा। तो ये जी इसी के साथ यहाँ पे अपनी वीडियो का इख्तिताम करने लगा हूँ, माल आज ख़त्म हो गया जो था, और आज डेट है 7 सितंबर 2023 में हम बात कर रहे हैं, तो साल भी अपने इख्तिताम के करीब ही है इंशाल्लाह, पता भी नहीं चलेगा ये साल भी गुजर जाएगा और 2024 शुरू होगा और फिर हम कहेंगे बकरा ईद आने वाली है।
तो माशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको दिखा दी भाई। फिर बोलूँगा जो कुछ कहता हूँ बोलता हूँ, गुस्से में भी बोलता हूँ, माजरा चाहता हूँ, लेकिन वो गुस्सा मेरा दर हकीकत गलत नहीं होता, क्योंकि आप लोग बहुत गलतियाँ कर रहे हैं, मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे ना वीडियोज़ को देखने में, ना अपने लिहाज से अच्छी वीडियोज़ को समझने में, स्किप करते हैं पता नहीं क्यों, टाइम नहीं है, देख नहीं रहा। मैं बता दूँ इतना नहीं कर सकूँगा, माजरा चाहूँगा। बहरहाल मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सैयद अली और K4 कराची इसको इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।